हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे अपने चैनल टेक्नो हेल्प विद शहादत में। तो गाइस, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे, यार शहादत भाई क्या कर रहे हो यार, अब सीरीज वाइज वीडियो बना नहीं रहे हो। तो इसका कारण है गाइस, मैं बता रहा हूँ, मैंने ये सोच रखा है कि मैं वीडियोज़ कंप्यूटर के बनाऊँगा, जो आप इस जो हमारा मेन प्ले लिस्ट है इसमें सारे वीडियोज़ होंगे, और बाकी आज इस वीडियो के बाद से मैं प्ले लिस्ट को अरेंज करूँगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए अलग प्ले लिस्ट होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट होंगे, ठीक है। और जो भी हम कोर्स लाते रहेंगे उसके हिसाब से प्लेलिस्ट ऐड करते रहेंगे, लेकिन इस प्लेलिस्ट में हमारे सारे वीडियोस होंगे, ठीक है, लर्न कंप्यूटर फॉर ब्लाइंड के नाम से, ठीक है। तो गाइस, एक बात और कि अगर आप हमारे किसी जो लर्न कंप्यूटर और वीडियोज़ के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लर्न कंप्यूटर फॉर ब्लाइंड के जितने वीडियोज़ पर आप 30+ व्यूज़ जैसे होता है ना, मैं अगला पार्ट बनाना शुरू सोचने लग जाता हूँ, ठीक है। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, उसको छोड़ दो। बाकी मैं ऐसे सोचने लग जाता हूँ, चलो अब नया पार्ट बनाया जाए, ठीक है। तो कम से कम 30+ व्यूज़ चाहिए मुझे एक वीडियोस पे, ज़्यादा मैं नहीं डिमांड कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करना जिस चीज़ को ज़रूरत हो उस तक, ठीक है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले जॉज के एक यूनिक फीचर के बारे में, जो कि जॉज ने इस वर्जन में लॉन्च किया है। आपको पता ही गाइस कि मैंने वीडियो बनाया था इस पे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोगों का कि कैसे जॉज इंस्टॉल करते हैं। जॉज 2023 भी हमने इंस्टॉल किया, 2024 भी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो मतलब दोनों एक साथ नहीं इंस्टॉल किया, मतलब दोनों का हमने वीडियो बना रखा है, तो दोनों आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। लगभग सेम प्रोसेस है, 2023 का ही इंस्टॉल करो, 2024 का इंस्टॉल करो, ठीक है। तो चलो, फीचर क्या है? वैसे बहुत सारे 2-3 फीचर्स आए हैं, लेकिन सबसे मस्त और सबसे यूनिक फीचर है, हम यहाँ प्रेस करेंगे इंसर्ट प्लस स्पेस। एक मिनट, तो मैं पहले होम ये कर देता हूँ कि कमी स्क्रीन में होना है। अब यहाँ करता हूँ इंसर्ट प्लस स्पेस। तो आपको पता ही दोस्तों कि इससे क्या होता है, ठीक है। जॉज में नहीं पता तो मैं एक बार इसका डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसकी मैं इसमें लगभग इसके सारे कमांड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और यहाँ प्रेस करता हूँ F, फेस एंड व्यू। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे कैमरे, मतलब समझ लो ये अधिकतर कैमरे के लिए ही है। और यहाँ पे मैं O प्रेस करता हूँ, ओपनिंग फेस एंड व्यू। जब इसे करके आप कैमरे के सामने जाओगे तो ये हमें बताता है कि हमारा फोकस कैसा है कैमरे का, ठीक है। मतलब ये है, ये देखो, यूटी इज यूजिंग इंटीग्रेटेड कैमरा। मतलब देखो, अब मैं सेंटर में आ गया हूँ इसके, ठीक है। अब अगर किसी को वीडियो कॉल ऑडियो, मतलब वीडियो कॉल करते हो या जूम या ऐसा कुछ भी, अभी भी सेंटर में हूँ, ठीक है। मैं एकदम परफेक्टली बैठा हूँ, मैं अगर हट रहा हूँ तो नो फेस डिटेक्टर कह रहा है, ठीक है। अब मैं कैमरे को बंद कर देता हूँ, देखो क्या होता है। मैंने बंद कर दिया, देखो नो फेस डिटेक्टेड, ब्राइटनेस इज वेरी लो, है ना। चलो फिर से ओपन करते हैं। यू नीड टू मूव राइट, है ना। तो वो बता भी रहा है कि हमें किधर मूव करना चाहिए, अगर हल्का हल्का उसको दिख रहा है। अब देखो मैं हट गया, ठीक है। अब मैं दोबारा वापस आता हूँ, तो देखो तो मैं सेंटर में आ गया। तो यहाँ पे आप आराम से, जैसे कि आप कोई गूगल मीट या कहीं ज्वाइन होते हो और कहा जाता है कैमरा ऑन करो, तो बार बार पूछना पड़ता है आपको कि अरे यार मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो गाइस आज ये तो ठीक है, अब इसको बंद करने के लिए हमें यही करना पड़ेगा, ऑल्ट इंसर्ट प्लस स्पेस, उसके बाद फेस इन व्यू के लिए F, ओपन फेस डिटेक्टेड जिससे होता है ओ से, उससे क्लोज भी होता है, ठीक है। सॉरी ब्राइटनेस, सॉरी शायद रेट ज्यादा है, ठीक है। हाँ तो गाइस बात ये है, दूसरा फीचर भी हम जाके चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट,
जॉब्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है गाइस कि मैं इसका स्पीच रेट स्लो करता हूँ, थोड़ा स्लो ही बोलता है, ठीक है? अब ये सोचोगे यार स्लो करो, स्लो ही बोलेगा ना। Desktop folder view list view not selected Microsoft Edge 1 of 15. To move the items use the arrow keys to edit the selected item press F2. Local disk F items view multi select space computer pack enter. Shell view to move to an item press the arrow keys. Items view list box to move date modif type not selected audio what object case D for document 406 enter. Shell view shell folder view items view multi select list box not selected shattered shattered into the engine card PDF what. अगर मैं PDF है ये guys, ये application जैसे ये नया feature नहीं है guys, ठीक है? ये बहुत पुराना फीचर है लेकिन मैं बहुत लोगों को पता नहीं है इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ मैं एप्लीकेशन ही प्रेस किया, ओपन, शेयर विद स्काइप एस पिक्चर स्मार्ट विद जॉस पी कन्वीनिएंट ओसीआर टू वर्क विद जॉस आई कन्वीनिएंट ओसीआर टू वर्ड विद जॉस, ठीक है? तो यहाँ पे आप इजीली एंटर कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे एंटर करते ही हमारा वो जो OCR है वो चालू हो जाएगा और हमारे वर्ड को कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, मतलब वर्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। एंटर करते हैं। Enter, leaving menus. Document, items view, multi-select list box, shattered into the engine card, PDF, 2-8-2024-3-23-AM, Microsoft Edge, PDF, document 374KB, 1 of 2, to move to an item, press the arrow keys, document OCR started. Document OCR started, ये देखे थप्पड़ मारता रहेगा ये, हाँ? साउंड कुछ ऐसा ही, मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस। Finish. OCR in progress. Please wait for additional content. Please wait for additional content, है ना? थोड़ा वेट और कर लेते हैं, उसमें क्या है? जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूना रे आल राए। ये देखो थप्पड़ मार रहा है गाइस, ठीक है? मतलब मुझे नहीं मार रहा है, वो पीडीएफ को मार रहा है, बोला ओए कन्वर्ट हो। Document to move to an item, press the arrow keys. I shattered into the engine card OCR results. To move to an item, press the arrow keys. Shattered into the engine card OCR results. थोड़ा टाइम लेता गाइस, ये बड़े बड़े पीडीएफ्स को भी कन्वर्ट कर देता है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें जो कि आप लोग खुद ही देख लोगे, ठीक है? इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है लेकिन जो बुक्स को हम कन्वर्ट करते हैं ना तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मतलब बुक्स भी बड़े बड़े बुक्स को मैंने देखा नहीं है, मैंने छोटे छोटे बुक्स को देखा है, ठीक है? करके तो थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है? जो पीडीएफ्स में होते हैं, ठीक है? तो आप लोग ट्राई करना, इसके बग्स ढूंढना, मुझे बताना, ठीक है? चलो OCR in progress, please wait for additional content. OCR in progress, please wait for additional content. I am waiting. कितना पीटेगा, रहने दे। OCR in progress. Please wait for additional content. वो जल्दी हो जाए यार। Document ops 30.0.2 profile shattered into the engine card OCR results to move to an item press the arrow keys shattered into the engine card OCR results. Caps lock. Shattered into the engine card OCR results dialog. OCR in progress. Please wait for additional content. Content. तो गाइस ये थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, तो आप लोग इससे आप इजीली इससे कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद स्टॉप वर्ड डॉक्यूमेंट में वो सेव हो जाता है, सेव भी कर सकते हो। यहाँ पे इंटरनेट स्लो है तो इंटरनेट कनेक्ट करके रखना ताकि वो फास्ट हो सके, ठीक है? और गाइस हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत कुछ बताने वाले हैं, जॉस की फीचर्स जैसे कैप्चा सॉल्व करना एंड ऑल जो भी हो, ठीक है? मैं बहुत से सारे फीचर्स के लगभग बात करेंगे, बारे में बात करेंगे, लेकिन गाइस मैंने अपना कंडीशन बता दिया गाइस। अब आपको चाहिए कि आप मेरे कंडीशन पे थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है? और आप लोग इस वीडियोस को फुल वॉच करो ताकि मुझे 30+ व्यूज़ मिल सके और मैं फिर आगे
कंटिन्यू कर सकूँ इस लर्न कंप्यूटर फॉर ब्लाइंड की। ठीक है, आप लोग लाते रहोगे तो मैं भी लाता रहूँगा। ठीक है, चलो अब आप भी मेहनत करो और मैं भी थोड़ा मेहनत कर लेता हूँ। ठीक है।